पलवल जिले के NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 40वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 22वें दिन 24 घंटे की भूख हड़ताल पर आगरा और अलीगढ़ के 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश के राज्य अध्यक्ष राम नारायण कुरिया ने कहा है कि सरकार जानबूझकर लेट लतीफी कर रही है। सरकार वार्ताओं के नाम पर केवल किसानों की परीक्षा लेना चाह रही है। किसान कब तक इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर डटा रहेगा? इसलिए सरकार के इस रवैये को देखते हुए किसानों ने अपने आंदोलन को भी तेज करने के लिए एक नई रणनीति बना ली है, जिसमें के तहत आगामी 13 जनवरी को सिखों के सबसे बड़े त्यौहार लोहड़ी पर पूरे देश में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और इस देश की आधी आबादी महिला की है, इसलिए 18 जनवरी को पूरे देश में महिला दिवस मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। ये जो है वार्ताओं का जो दौर चल रहा है तो सरकार जानबूझ के लेट लतीफ़ी कर रही है और वो किसानों की परीक्षा लेना चाहती कि किसान कब तक अड़े रह सकते हैं। तो हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपना प्रोग्राम तैयार कर लिया, प्रस्तावित कर दिया। 13 तारीख को सिखों का जो सबसे बड़ा त्यौहार लोहड़ी है उसमें पूरे देश में कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। दूसरा, हम लोगों ने तय किया कि इस देश की जो आधी आबादी महिला, 18 जनवरी को पूरे देश में महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और 23 तारीख जो है 23 जनवरी, जैसा कि हम लोगों को मालूम कि अंग्रेज़ों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान का किसान ये फैसला करेगा कि अडानी अंबानी के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट हो और अपनी भारत में अपनी खेती को बचाने का 23 तारीख को लोग संकल्प लेंगे सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आम जनता को सूचित किया गया है कि दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड होगी और उसके समर्थन में पूरे हिंदुस्तान के 448 जिले जो हैं हर जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और गांव में ये जो हमारा संविधान की लोग शपथ लेंगे, तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और 26 तारीख को हम ये संकल्प लेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है इस संविधान की रक्षा करना है और अडानी अंबानी के हवाले खेती को जाने से बचाना है। इस देश का तिरंगा, इस देश का खेत, इस देश का आज़ादी को बचाने का 26 तारीख को हिंदुस्तान का किसान संकल्प लेगा। जो 15 तारीख की वार्ता हो रही है उसमें भी हम अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मानेगी। हमने जो नीति बनाई वो इस प्रकार से है, जो आज कोर्ट का मामला है कि हम नहीं गए कोर्ट, कोर्ट गई है सरकार। सरकार हमें गुमराह कर रही है कोर्ट के रास्ते से भी। हमारा जो मेन मकसद है कि हमारा है कानून वापस लिया जाए, इसमें कोर्ट का लेना देना नहीं है, सरकार का मामला है, सरकार इसे बना के लाई, सरकार वापस कर ले। 13 तारीख को लोहड़ी वाला जो दिन है उस दिन हम लोग आपका जो कानून है, कृषि कानून है, काला कानून, उसकी प्रतियां फूकेंगे सभी धरनों पर, पूरे देश में यह होगा। 14 तारीख को गुड़ और तिल देंगे हम किसानों को, किसान मजदूर सब के साथ मिल करके। 18 तारीख को महिला दिवस के नाम से मनाया जाएगा, इसमें हर मंच जो होगा वो महिला को ही दिया जाएगा, महिला ही प्रवक्ता होंगी, महिला ही प्रोटेस्ट करेंगी, महिला ही मंच की मालिक होंगी, यही रहेगा। और जो आगे की रणनीति है ये कल सिंधु बॉर्डर पर फाइनल हुआ है कि सिंधु बॉर्डर पर ये मीटिंग हमारी हुई है। 20 तारीख की फाइनल रणनीति नहीं हो पाई है, उसमें चेंज भी हो सकता है, इसलिए हम उसे कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। जब तक अड़ा रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, सरकार चाहे कोई, हमें किसी भी कीमत पर काला कानून वापस कराना है, चाहे उसके लिए कितनी भी शहादत हम दें, सरकार ले, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। 70 हम दे चुके हैं, जितनी चाहे, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, लाख चाहिए, हम देने के लिए तैयार।